बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामिन। बढ़ते हैं खालिद साहब की एक वॉइस मैसेज और उनका मसला जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये स्कीन वैक्सीनेशन का, कि वैक्सीनेशन मैंने नहीं करवाई, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको ढूंढ के देता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी हैं, देखते हैं कि क्या है। हाँ सलामुअलैकुम जी, डॉक्टर साहब, वालेकुम। इसमें से मैंने कौन सी मंगानी है उसका मुझे फोटो वापस भेज दें आप प्लीज। अच्छा मेरी जान, आपका मुर्गा पहले से ही स्ट्रांग है, नहीं, और उन्होंने पहले स्ट्रांग मुर्गे के लिए आपने पूछा कौन सा उसको लड़ाना है कि उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग करके था। नहीं, जा रहे उसके हैं। बाद क्या हुआ? जो मैंने ये तो कहा हर है वो आप उसको आम जो खुराक वो तो कर दिया, सबके इसके लिए बाद है क्या है डॉक्टर साहब। उनका? ये कुछ दवाइयां मैंने आपको फोटो भेजे हैं, हाँ इसमें मुझे कौन सी लेनी है हाँ बराए करम वो मुझे व्हाट्सएप कर दें फोटो रिटर्न में, और वो मैं ले आऊंगा। क्योंकि ये जो एंटी लासोटा वैक्सीन है ये यहाँ मिल नहीं रही है मुझे, मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया, अमेजोन पे है ये, और हाँ अमेजोन से ही मैंने फोटो लेकर भेजे हैं ये। तो प्लीज अच्छा। जरा इसको देखकर मुझे गाइड करें, मैं इंशाल्लाह कल मंगा लूंगा इसको। अच्छा दूसरी बात यह है कि किसी ने मुझसे कहा है कि गुड़ और सौंठ ये तो खैर पिसी इनको हुई मैंने बता जो दिया कि सूखा हुआ अदरक वो होता है देना है, वो वो मिलाकर उसकी गोलियां बना के दो दो तीन तीन। तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि ये कौन सी इनमें। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे वैक्सीन का बताएं जो मैंने आपको फोटो भेजे हैं उनमें से मैं कौन सी मंगाऊं। हाँ, तो मैंने इनमें देख ये जो ऊपर के वाली है ना वैक्सीन जिसमें चूजे हैं चूजे सफेद हैं। ब्राउन से छोटे छोटे चूजे हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है ना एफिकेसी ऑफ न्यू कैसल डिजीज, ये उन्होंने ये भेजा लिखवाए, है। ये करें, ये ले ले। देख लिया है ना आपने वो बहुत जबरदस्त है, ये यही है, ये वैक्सीन है न्यू कैसल, यही एनडी है ना न्यू कैसल डिजीज के खिलाफ, ये लगा है इसकी करनी है। ये ठीक है, बहुत अच्छा है, आपने मेरा काम आसान कर दिया। तो मैंने आपको और भी देने थे ऑप्शंस, आप फिर मर्जी से आप देख लेते हैं, वो पता नहीं ये महंगी ना हो, लेकिन ये मैं फिर भी देखूंगा वाकई अगर मुझे मिल गई ना इंडिया की महंगी अपनी बनी हुई न्यूकासल डिजीज के अगेंस्ट, तो मैं सारी वैक्सीन्स का एक अलग से प्रोग्राम भी कर दूंगा, है। नहीं, अभी और इसी का ही उसका बन गया। वो भी आपके नाम ही होगा। तो दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह ताला। लेकिन आगे डॉक्टर साहब ये चार क्या हजार हुआ? से मतलब ऊपर की है ये ओ, वैक्सीन जो है, 4,000! इस पे इन्होंने रेट भी दिए हुए हैं 4200 समथिंग कुछ है, तो यही नहीं लूं या कोई और सस्ती सी काम बन जाए जी, तो। फिर मैंने क्या कहा? हाँ जी। ये नहीं दिल लगाने आपने, ये नहीं, मैं सस्ती ढूंढ के देता हूँ, आप फिक्र ना करें, कैसी बात की। ये तो अगर आप कोई आपके पास लाखों बर्ड्स वो होंगे देते तो फिर हैं ये होता है, ना, एक आध बर्ड इनके लिए थोड़ा ही आपने करना इतना महंगा। हाँ, या वो तो हमारे कंट्रोल्ड शेड होता है ना, सत्तासी रुपए जिसमें की मिलती है लाखों और होते उससे हैं, 100 मुर्गियों को हम लगाते हैं, 80-80 रुपीज की मिल जाती है 80 रुपए की, 70-80। ये अभी आपको सस्ती देता हूँ खालिद इनका। साहब। हमारे एक आज मुझे अच्छा, मैं दो तीन वीडियोस बना रहा हूँ और खैर उसमें वो मैं दे रहा इसका, हूँ, लोगों की मुझे फीडबैक मिल रही है, हाँ हमारा ओके जो ही, हमारे यहाँ फ्री दे रहे हैं ये। इमरान खान की वजह से आके इन्होंने डोर स्टेप्स पे लोगों को वैक्सीनेशन भी दे रहे हैं, और इनके यानी जानवरों की जानवरों की फ्री भी वैक्सीनेशन वैक्सीन कर रहे पूरी हैं कर रहे और हैं। उनका इलाज भी फ्री कर रहे हैं और चलें, उनको वो तो वैक्सीनेशन भी। खैर हो गया सलाम इसके। वालेकुम, हाँ जी। मैं आपकी मदद का मुंतजर रहूंगा जब आपकी तरफ से मदद आए। जजाकल्लाह। अकबर। खालिद साहब, मेरी जान मैंने ढूंढ ली है आपके लिए, और बड़ी सस्ती आपकी ही बनी हुई है उधर, इनकी मैं इमेजेस भेज रहा हूँ आपको। इसी वीडियो के एंड में उनकी तस्वीरें होंगी, आप देखेंगे तो आपके हैरान रह जाएंगे। 100 रुपए से कम की होगी इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है बहुत ज्यादा। दुआओं में याद रखें फी माल्ला।
इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूं, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशादे ग्रामी है, तुम एक दूसरे से बोझ ना रखो, हसद ना करो, एक दूसरे से मुंह ना फेरो, और अल्लाह के बंदो भाई भाई बनकर रहो। किसी मुसलमान के लिए अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा मिलना जुलना छोड़ना जायज नहीं है। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूं, दुआओं में याद रखें। फीमान अल्लाह।